मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस अबाउट कंडक्शन, इन टुडे लेक्चर्स ऑल्सो वी डिस्कस द सम फैक्ट पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू कंडक्शन, ऑल्सो कैन बी कंडक्शन बेस्ड ऑन योर बुक. कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉटर पार्ट टू ए कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कोलिजन of their particles without the actual movements of the particles from their position. Condition for conduction, इस पर आप लोग जरा गौर करेंगे. Condition for conduction, ये आपका conduction का एक definition मैंने आपको पहले भी मैंने लिखाया है, पिछले lecture में भी और इसमें भी. तो ये आपका कंडक्शन का डिफिनेशन है, सेम डिफिनेशन आपका मिलता है. ठीक है, तो आप इसे कंडक्शन में हम लोग ये देखें कि इसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव आपका नहीं करता है, उसके कोलिजन के वजह से, कोलाइड के वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है. अभी मैं आपको इसका आपको डाइग्राम भी बनाकर मैं दिखाऊंगा. इसके लिए पहले कंडीशन आप इसके लिए देख लीजिए. कंडीशन हमारे लिए कंडक्शन के लिए क्या है कि टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टेक्ट और टच ईच अदर. मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से डायरेक्ट टच में होना चाहिए, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए. ये आपके लिए, अगर समझिए कि अगर ए ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट आर हॉट, दिस ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, इफ दे वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट दे नॉट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, दे कैन नॉट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एट दिस पोजिशन, हीट डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर नॉट कॉन्टेक्ट. दे आर नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, दे आर इन कॉन्टेक्ट पोजिशन. कहता है कि अगर ए ऑब्जेक्ट अगर आपका हॉट है, ए ऑब्जेक्ट आपका अगर कोल्ड है, अगर हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें हीट ट्रांसफ़र करे, तो इसको इसमें टच करना होगा, कॉन्टेक्ट में जाना होगा, तब यह हीट ट्रांसफ़र करेगा. नहीं तो अगर हम ये सोचें कि अगर इतना डिस्टेंस पे रखते हैं, वीलू माइन्यूट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन दिस पोजिशन हीट डज नॉट ट्रांसफ़र. अगर हम ये सोचें कि इतने डिस्टेंस पर भी रखते हैं, अगर हीट को ट्रांसफ़र अगर होता है, तो ऐसे पोजिशन में आपका हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडक्शन, वन ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन. आप इसके लिए कंडीशन आप याद रखेंगे कि कंडक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, मीन्स हॉटर ऑब्जेक्ट को कोल्डर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में रहना होगा, तभी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है. क्लियर. सेकेंड पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी शुड बी डिफरेंट. कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट का, अगर ए ऑब्जेक्ट हम अगर हमारा हॉटर है, इसका अगर ए ऑब्जेक्ट कोल्डर है, तो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, मींस इसकी टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए. अगर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है, जिसको आपको हमने लिखवाए भी थे पिछले लेक्चर में कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, सेम टेम्परेचर को, अगर दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है, तो हीट डज नॉट फ्लो, हीट का फ्लो होना स्टॉप कर जाएगा. तो उसके लिए हमको क्या होना होगा, क्या ऑब्जेक्ट को होना होगा कि टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होना चाहिए, तभी वह हीट को ट्रांसफ़र कर पाएगा. नहीं तो अगर इसका भी टेम्परेचर सेम हो, मीन्स सपोज कीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर सेम हो 50 डिग्री सेल्सियस, अगर दोनों को अगर हम कॉन्टेक्ट में ले जाते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर हमारा किसी से किसी में हीट का फ्लो नहीं होगा. हीट डज नॉट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी एट दैट पोजिशन, उस समय में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. इसलिए नेसेसरी कंडीशन है हमारा कि उसको कंडीशन कि उसको पहला कि कॉन्टेक्ट में रहना होगा, और दूसरा जो है कि उसके टेम्परेचर में डिफरेंट भी
रहना होगा। आखिर फिर भी मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आखिर सॉलिड जो है सो कैसे हीट को ट्रांसफर करता है, इसके तो कैसे हीट को ट्रांसफर करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड ऐसा क्या है या मेटल्स ऐसा क्या है कि हीट को ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इन मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड। मेटल्स जितने जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण वह गुड कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं इसके कारण वो बैड कंडक्टर होते हैं फॉर सॉलिड। देखिए इसको फिगर के माध्यम से जो मैंने आपको चर्चा किया था, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये कोई आयरन रॉड है, क्या है आयरन रॉड, आयरन रॉड है, ये हमारा आयरन रॉड है। तो इसका जितना ये जो मोलेक्यूल्स है हमारा, ये सभी मोलेक्यूल्स एक दूसरे से काफी टच में रहता है, काफी क्लोज्ड में रहता है, क्या रहता है एक दूसरे के काफी क्लोज्ड में रहता है। इसका इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसका मोलिक्यूल जो होता है सो टाइटली पैक्ड होता है। तो जैसे इस इंड को अगर हम हीट करते हैं, जैसे ये इस वाले पार्ट को अगर हम हीट करते हैं, तो होता क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, जिस प्रिंसिपल पे थर्मोमीटर वर्क करता है, थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे, तो इसमें एक्सपेंशन होता है और ये थोड़ा अपने साइज में इंक्रीज करता है, एक्सपेंड करेगा, तो ये पार्टिकल जो होता है सो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। वाइब्रेशन मतलब होता है आगे पीछे करना, मीन्स कंपन। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, कंपन करना शुरू कर देगा, और वाइब्रेट करना जैसे शुरू करेगा तो इसके आगे भी एक मोलिक्यूल्स है, तो जैसे यह अगले मोलिक्यूल्स में जा करके कोलाइड्स करेगा, मतलब हीट करेगा, टकराएगा, तो फिर जैसे ये इसमें हीट करेगा तो अगला अगला को हीट करेगा, इस तरह से कंटिन्यूसली ये हीट का पोजीशन आपको बढ़ता रहेगा। ये इसको कोलाइड करेगा, ये इसको कोलाइड कर, कोलाइड करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। अगर बीच से अगर कोई मोलिक्यूल अगर नहीं रहता है तो यह हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है, तो यह कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र हमारा मोलेक्यूल टू मोलेक्यूल, इस मोलेक्यूल से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे 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 कोलिजन के कारण ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, मतलब इस तरह से कंटिन्यू कोलाइड कर करके, कोलाइड कर करके वह टकराते जाएगा, और यह यहाँ से यहाँ तक का हीट ट्रांसफ़र वह करते जाएगा। तो हमने अगर जैसे अगर यह लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में ये प्रोसेस आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड का मोलेक्यूल्स जो होता है सो अलग होता है, डिफरेंट होता है, सम ए पार्ट बिटवीन देम। अगर लिक्विड को अगर देखा जाए तो लिक्विड का मोलेक्यूल्स जो होता है एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, मतलब इसमें अगर कोलाइड भी करता है तो इस गैप को फिलअप करेगा, वही से टच नहीं करेगा। तो इसके लिए हम दूसरे मेथड आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडक्शन द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बट सेकेंड पार्ट देयर टेम्परेचर ऑल्सो बी डिफरेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी डिफरेंट होना होगा और उसको कॉन्टैक्ट में भी होना होगा, और सॉलिड पार्टिकल्स में हमारा कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है, और उसमें कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन वन पार्टिकल्स वाइब्रेट्स एंड कोलाइड्स टू अदर पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल कोलाइड्स टू नेक्स्ट अदर पार्टिकल, एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंड टू
अदर इंड। इस तरह से एक इंड से दूसरे इंड तक, मतलब ये हमारा फर्स्ट इंड है, ये सेकेंड इंड है, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हमारा हो जाता है। और ये ड्यू टू पार्टिकल कोलिजन, अगर पार्टिकल कोलाइड नहीं करता तो इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, दे ऑल्सो कैन बी सीन एट इन आवर विलेज एंड नेवर्स। इफ यू कटिंग ए आयरन, कहता है कि अगर हम लोग आयरन को अगर कट करके देखें, हेक्सो ब्लेड जो होता है, अगर आयरन को अगर ऐसे हम लोग कभी काट करके देखें तो देखते हैं उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स उससे निकलना शुरू होता है, कटता है, और वही माइन्यूट पार्टिकल से मिल करके आयरन रड का फॉर्मेशन होता है। हीट के समय वही माइन्यूट पार्टिकल्स जो उसके अंदर होता है सो एक्सपेंड करता है और वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वाइब्रेट कर करके हीट अगले मोलेक्यूल को, मीन्स अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर अगला पार्टिकल्स अगले को ट्रांसफ़र करेगा, फिर अगला, मीन्स ये अगर एक पार्टिकल्स है, ए है, ए सभी पार्टिकल्स अगर हैं, तो ए जो है सो इस कोलाइड करके इसको ही ट्रांसफर करेगा, ए इसको करेगा, ए इसको और ए इसको, ए इसको, इस तरह से करते करते या वन इंच तक आ गया, फिर ए भी अगर पार्ट हीट है तो ये इसको करेगा, ए इसको, और इस तरह से वह लास्ट इंड तक आपका हीट ट्रांसफर कर देगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कंडक्शन का प्रोसेस जो है ये केवल हमारे सॉलिड्स के लिए है, और इसमें मोलेक्यूल्स का कोलिजन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण यह हीट ट्रांसफ़र होता है। और हमने ये भी आपको बताया कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू मटेरियल इजली आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि ये प्रोसेस हमारे कंडक्शन में हमारे कंडक्टर में ज़्यादा होते हैं। तो ये कंडक्टर हमारा क्या होता है जरा उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं, और एक इंसुलेटर भी होता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर्स को हम लिख सकते हैं materials that conduct heat easily are called conductors। सिंपली सी बात है, मटेरियल डैट कंडक्ट हीट इजली, मतलब वह मटेरियल जिसे हीट ट्रांसफ़र आसानी से पास हो जाए, कंडक्ट मतलब होता है पास करना, या आप यहाँ पास भी लिख सकते हैं, मटेरियल डैट पास हीट इजली, पास भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वैसे मटेरियल को जिसे हीट आसानी से पास हो जाता है उसे हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। इंसुलेटर मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट हीट इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर, मीन्स वह मटेरियल जिसे हीट पास आसानी से नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, इटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं एयर हमारा बैड कंडक्टर होता है एग्जाम्पल में,
एयर, रबर, वुड, वुड इत्यादि। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपका इसमें भी है, मतलब वह सब्सटेंस जिसे हीट आसानी से पास कर जाता है वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आप याद रखेंगे, ठीक है। और जिसे हीट आसानी से पास नहीं करता है हम उसे इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि वेरियस टाइप्स ऑफ यूजिंग सब्सटेंस आर मेड ऑफ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर्स। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि हमारा इसी प्रिंसिपल पे सोच करके, जैसे हम लोग देखते हैं अटेंसिल कुकर, जो कुकर में हम लोग खाना पकाते हैं, देखिएगा उसका कुछ पार्ट जो है सो आपका मेटल्स का बना होता है, क्योंकि वो जल्दी हीट हो जाता है और खाना पकाने में हेल्प करता है। बट दैट पार्ट टचेज टू आवर हैंड, मीन्स हैंडल, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वह एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसका नाम बेकेलाइट है। वह इंसुलेटर होता है क्योंकि हमको उसको टच करके उसको बाहर करना होता है गैस सिलेंडर से, इसलिए वो इंसुलेटर बना होता है, क्योंकि आपका जलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा, जैसे हमारा वायर ऑफ केबल है, इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, उसके अंदर में मेटल्स होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है, और उसके ऊपर इंसुलेटर होता है जिसे हम लोग इस जीवे में उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हैं जो कि इंसुलेटर और आपको कंडक्टर से मिलकर के बने होते हैं। यू ऑल्सो बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट सेकेंड पॉइंट कन्वेक्शन, एंड आई होप यू टू आई स्टडी फ्रॉम योर बुक्स, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर अराइजेज योर माइंड। यू कैन आस्क टू माई फ्रॉम माई फोन नंबर 9006667695। आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप इसको एराइज आपको है तो आप इस पर भी आप पूछ सकते हैं। ये दो नंबर है, आप अगर किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट आप इस पर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।